बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जल्द सऊदी अरब का दौरे का अंदिया दे दिया है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा है कि वो जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात कभी ख़राब हो ही नहीं सकते, उस वक्त भी ताल्लुकात बेहतरीन है। निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए इमरान ख़ान ने कहा कि सऊदी अरब के साथ बेहतरीन ताल्लुकात की एक लंबी तारीख है। सऊदी अरब के दौरे के हवाले से पूछे गए सवाल पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं सोच रहा हूं कि सऊदी अरब का दौरा करूं। पहले भी कोरोना वायरस की वबा की वजह से नहीं जा सका था। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही सऊदी अरब का दौरा करेंगे। दूसरी जानिब ये खबरें भी जेरे गर्दश हैं कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को खसूसी दौरे की दावत दी है, जिसमें इलाकाई और इंटरनेशनल सतह पर कुछ मुहाइदों के हवाले से बात होगी और सऊदी अरब और पाकिस्तान के एक नए इतिहाद कायम करने की कोशिश होगी। दूसरी जानिब यह दावा भी किया जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान को इसराइल को तस्लीम करने के लिए उन पर दबाव भी डाल सकते हैं, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने साफ कह दिया है कि इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर आज़ाद हुआ था और इसराइल जब तक फ़लस्तीनियों पर मुजालिम दायरे रखेगा और फ़लस्तीनियों को उनके हकूक नहीं देगा, तब तक हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे।